बेटी लजवंती, हे लाडो बेटी लजवंती। आइए पिताश्री, आपकी इस बेटी लजवंती का आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। प्रणाम तुम्हारा स्वीकार है दादा भैया, तुम्हारी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण करे। हे बेटी, आज तुम्हारे धर्म पिता राजा मौरध्वज तुम्हारे सामने एक फरियाद लेकर के आया है। पिताश्री, हाँ। ऐसी क्या बात हो गई कि जिसके कारण इतने दिनों के बाद में आपको मेरे पास में आना पड़ा? अरे अगर कोई काम होता तो मुझे ही अपने पास में बुलवा लिया होता, और आज आपका ये चेहरा देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ परेशान हैं। तुम हस्ती हमेशा पैर में सोवा देती है, तलवार हमेशा हाथ में सोवा देती है, ताज हमेशा सर पे सोवा देता है, लेकिन बेटी आज ये ताज मेरे सर पर सोवा नहीं दे रहा। पिताश्री, सोवा जब देगा, जब आज दुनिया में इसे ताज की लाज रहेगी तो ये ताज सर पर सजेगा। ना तो ये ताज तो उतर गया, ये ताज तो आज उतर गया, लेकिन अगर इस ताज की लाज नहीं रही तो बेटी राजा मौरध्वज का भी सर एक दिन उतरने वाला। नहीं पिताश्री, नहीं, मेरी बात सुनिए। कहो अपनी बात। से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता व्याहे वर का जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। ओ जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। हे स्वर्ग बराबर तेरे घर को, जिंदगानी में जहर मिला हुआ आया बेटी, यो भरिया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी, भरिया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। मैं मांगू दान पति का कर दे, तेरे आके मेरी झोली भर दे। मांगू दान पति का कर दे, तेरे आके मेरी झोली भर दे। तुम्हारी अनमोल जिंदगी, तुम्हारी रंग भरी जिंदगी को आज बेरंग करने का काम तुम्हारा धर्म पिता राजा मौरध्वज कर रहा है। आज तुम्हारे भरे हुए सजे हुए मांग के सिंदूर को उजाड़ने का काम है कि तुम्हारा धर्म पिता राजा मौरध्वज कर रहा है। आज तुमसे झोली पसार करके अपने पत्र बेटा धीरध्वज को दान में मांगता है, बेटी दे दे। ये कैसी बातें कर रहे हो पिताश्री? आप ये अच्छी तरह से जानते हो क्या कि अगर आपको अपने बेटे को दान में देना था तो मेरी शादी क्यों करके लाए थे पिताश्री? और शादी भी कर ली तो आपको मेरे पास में अपने बेटे को मांगने के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि धीरध्वज पहले आपका बेटा है, बाद में मेरा पति है पिताश्री। नहीं बेटी, धीरध्वज हमारा पुत्र था, लेकिन जब से शादी हुई है
हमसे ज्यादा अधिकार बेटी तुम्हारा है हमारे बेटे धीरदास के ऊपर, अब हमारा अधिकार नहीं रहा है। मैं तो आज झोली पसार करके आज आपसे अपने पुत्र को तीन वचन निभाने के लिए, साधुओं का सम्मान रखने के लिए, दुनिया में मान और मर्यादा को जिंदा रखने के लिए बेटी आपसे झोली पसार करके अर्ज कर रहे हैं। नहीं पिताश्री, सुनिए मेरी बात। अपनी बात मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में, पहलम तो यो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो यो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो यो बेटा थारा पति मेरा बाद में। अरे मात पिता से ज्यादा बेटी, मर्द की जड़ते तावे तार होशे, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार होशे, प्राणपति तो इस दुनिया में ये जीवन का आधार होशे। और आन बान कुल की मर्यादा होया करे हक जानते ज्यादा, आन बान कुल की मर्यादा होया करे हक जान से ज्यादा, हो जिसे के शेर ते पाया मैं धरूं ताज से, पति को दान में मांगने के लिए आए हो। एक तो पिताश्री आप मेरे पास में चल कर के आए, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, और दूसरी बात मैं इसलिए कुछ ज्यादा परेशान हूं कि आपने अपने सर के ताज को मेरे पैरों में रख दिया पिताजी। हाँ, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मुझे ये बताइए कि आज आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते पिताश्री? हर आदमी का फैसला अपने हाथ में होता है, हर आदमी का अपना मन होता है, हर आदमी का अपना समय होता है। हो सकता है कि बेटी तुम्हारी जगह मैं होता तो हो सकता कि ये नौबती नहीं आती, ऐसा खेल ही नहीं रचता बिधाता। तो पिताश्री हाँ ये बताइए कि अगर मैंने आपसे मना कर दिया तो उन साधुओं को आप वापस भेज सकते हो?
अगर आपने मना कर दिया तो हो सकता है कि साधु भी दरबार से भूखे चले जाए, और हो सकता है कि राजा मोरध्वज का नाम भी इस दुनिया से आज मिट जाए। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल का खिलौना अब टूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया, कोई अकेला के लूट गया, दिल का खिलौना है टूट जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में, बह माता ने जन्म दिया है ऐसे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, और ये दान पति का करे के आज, दान पति का कर के आज, कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूल सकूं ये सर ये शान चढ़ा दे बेटी, तीर दौजे ने घाल भेट में भूखा शेर जिमा दे बेटी, तीर दौजे ने घाल भेट में भूखा शेर जिमा दे बेटी, तक होनहार बलवान बताई मानस की न पार बसाई, होनहार बलवान बताई मानस की न पार बसाई, ये तो करे देश का ते पाया में धरो ताज सर, तेरे जिंदा रहनी चाहिए तो मेरे ससुर की मान और मर्यादा और सम्मान जिंदा रहना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां इसी वीरांगना के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। हे बेटी, तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दूंगी। हाँ, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते बेटी, झोली पे आज आज अपने धर्म पिता की झोली में भीख गेर दे। तुम्हारे पति को मैं दान में मांगने के लिए आया हूँ, सिर्फ इसका हंस करके दान कर दो। ले जाइए। अरे आपने अपनी बेटी मुझे माना है, हाँ। तो मेरा भी कुछ कर्तव्य कुछ फर्ज बनता है, बनता अगर है। आपकी इज्जत चली गई तो समझो मेरी भी इज्जत चली गई। ले जाइए पिताश्री, और कर दीजिए मेरे पति को सिंह की भेंट चढ़ा दीजिए, और इतना ही नहीं पिताश्री, हाँ। मेरे पति को तो आप ले जा सकते हो, हाँ। और एक और रास्ता मैं आपके सामने आपको बताना चाहती हूँ पिताश्री, हाँ। सुनिए मेरी बात, वो कौन सा रास्ता है कहो बेटी। थारे अर्पित किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से, मेरे पति से नहीं छिकाते मेरा मांस खुबाना से, मेरे पति से नहीं छिकाते मेरा मांस खुबाना से, मेरे पति से नहीं छिकाते मेरा मांस खुबाना से। दासरी जिसने बेटी हे लाडो,
हाँ पिताश्री, जिन माँ बापों ने तुझे जन्म दिया, जिन्होंने गोदी में खिलाया है, जिस जननी ने तुझे अपने आंचल का दूध पिला करके पाल पोस करके बड़ा किया, धन्य है वो तेरे माता पिता, उनको मैं कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन करता हूँ। ले जाइए पिताश्री, अगर उन संतों का सिर मेरे पति के मांस के भोजन से नहीं छिके तो ये आपकी बेटी आपकी लाड़ो भी उस सिंह की भेंट चढ़ने के लिए तैयार है पिताश्री। धन्य हो बेटी। हे जिसने बेटी जन्म दिया वो, हे जिसने बेटी जन्म दिया वो, धन्य तेरी जननी माई, झट छाती पे झट छाती पे चुप काली भरे आँखों में आंसू आई, इंद्रपाल जोड़ी आरे दमते वही तेरी कवताई, इंद्रपाल जोड़ी आरे दमते वही तेरी कवताई, अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया कैसा तूने खेल रचाया, ईश्वर तेरी अद्भुत माया कैसा तूने खेल रचाया, मेरा ताज से आज बचाली मेरी लाज से, ते पाया मैं करो ताज से और आज बचाली मेरी लाज से, ते पाया मैं करो ताज से